हेलो दोस्तों, तो आज का ब्रेकिंग न्यूज रहने वाला है। आप सबको पता है नवरात्रि चल रही है और दिवाली भी आने वाली है। इससे पहले सभी ब्रांड्स अपने अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च कर रही है। इन रेस में सैमसंग कहाँ पीछे रहने वाली है। आप सबको पता है सैमसंग अपनी अपर क्वालिटी में फोन लॉन्च कर चुकी है, मिडिल क्वालिटी में फोन लॉन्च कर चुकी है और आज लॉन्च किया है इन्होंने अपनी लोअर क्वालिटी में फोन लॉन्च। और ये फोन होने वाला 10,000 से भी कम प्राइस का। तो इसके बारे में बात करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में पूरी डिटेल में आज इस फोन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इसका क्विक अनबॉक्सिंग करता हूँ और बताता हूँ आपको कि ये फोन कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने इसका मंगाया है ग्रीन कलर। बैक साइड में आपको ड्यूल कैमरा का सेट में यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले एक बार अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे है। थोड़ी सी आवाज आएगी। मतलब नया फोन अनबॉक्स हुआ है तो थोड़ा सा लगना भी चाहिए। तो बॉक्स को साइड में कर देते हैं और अब बात करते हैं कि बैक साइड से फोन आपको देखने को मिलने वाला है ड्यूल कैमरा के साथ में। जहां आपको बैक साइड में मेन सेंसर कैमरा आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलने वाला है। साथ में आपको डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। और फ्रंट सेल्फी कैमरा की अगर बात करूँ तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और आपको दोनों साइड से 30 से 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक हेलियो G85 का चिपसेट मिलने वाला है और साथ में आपको 12 NM का नैनोमीटर मिलने वाला है। और अगर CPU की बात करूँ तो आपको ऑक्टा कोर 2.2 का CPU यहाँ देखने को मिलने वाला है। और अब बात करेंगे इस फोन के वेरियंट के बारे में। तो ये फोन आपको 4GB 64GB के वेरियंट के साथ में मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की तो यहाँ आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और ये आपको PLS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहीं अगर इसके रेजुलेशन की बात करूँ तो आपको 720x1600 का डिस्प्ले रेजुलेशन यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी बैटरी सेटअप की। तो यहाँ आपको 5000 mAh का लिथियम बैटरी मिलने वाला है और साथ में आपको 25 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। ये दोस्तों अगर बात करें तो सैमसंग अपनी मिडिल और हायर रेंज में ये बैटरी देता है, लेकिन अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज की तो ये फोन आपको 6,499 रुपये में मिलने वाला है। मतलब 6,500 भी आपसे पूरे नहीं लेने वाला है, लेकिन 5,000 mAh की बैटरी यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। तो गाइज ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। 7,000 रुपये से भी कम प्राइस रेंज में फोन आपको सारी फैसिलिटीज के साथ में सैमसंग देने वाला है। तो ये दिवाली सैमसंग वाली होने वाली है। और जल्दी से गाइज ये फोन आप आपके कोई भी नियरेस्ट स्टोर से खरीद सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टेक आर्या को जल्दी से क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है।